प्रे, ये कहानी बेस्ड है सन 1719 में। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक आदिवासी लड़की नारू को देखते हैं, जो अपने कबीले में आराम से रह रही थी, लेकिन फिलहाल इसका मन नहीं लग रहा। नारू अपने भाई की तरह शिकारी बनना चाहती है, इसलिए वो उठते ही अपने डॉग के साथ प्रैक्टिस पर चली जाती है। तभी वो एक हिरन को देखती है, साथ ही वो और उसका डॉग उस पर नजर बनाए रखते हैं। अचानक आसमान में तेज आवाज होने से वो हिरन भाग जाता है, जिस पर वो दोनों उसका पीछा करते हैं, पर वो पकड़ में नहीं आता। उल्टा उसका डॉग एक बियर ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। फिर नारू उसकी मरहम पट्टी करती है। अगले दिन नारू एक चील पर निशाना लगा रही थी, तभी उससे पहले उसका भाई ताबे उस चील को मार देता है। यानी कि आज भी नारू से उसका पहला शिकार नहीं हुआ। उसे लेकर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। इसी बीच जंगल में स्पेसशिप से एक इनविजिबल क्रिएचर नीचे उतरता है, जो कि इंसानों की तरह तो कहीं से भी नहीं दिख रहा था। वो काफी तेज आवाज में गुर्रा रहा था, साथ ही वो साइज में काफी बड़ा भी था, और सबसे मेन चीज कि वो प्रॉपर इनविजिबल था, इसलिए क्या पता ये कोई एलियन है या फिर कुछ और, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और इसके लिए आप कहानी में आगे बने रहिए। यहाँ नारू अपनी मॉम की तरह दवाई बनाने में एक्सपर्ट होती है, इसलिए वो चाहती है कि वो भी उनकी हेल्प करे, पर कबीले वालों के मुताबिक शिकार लड़कियों का काम नहीं है। पर नारू को ऐसा नहीं लगता, वो शिकारी बनना चाहती है, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। तो क्या ये शिकारी बन पाएगी? खैर, दवाई में किसी इंग्रेडिएंट की कमी थी, जिसे लाने नारू जंगल चली जाती है, जहां उसके भाई समेत सारे शिकारी मौजूद थे, क्योंकि एक शेर इनके साथी को उठाकर ले गया था। उमे नारू को वापस जाने के लिए कह रहा था, लेकिन ताबे ने उसे रोक लिया, ताकि अगर वो जिंदा हुआ तो नारू दवाइयों के जरिए उसकी हेल्प कर सकती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगल में एक चींटी को चूहा खा जाता है, और चूहे को सांप, और सांप को मार देता है वो क्रिएचर। इसके बाद वो क्रिएचर अपने एक हथियार को उसके सर में घुसाकर उसकी पूरी उतार देता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इस जंगल में वो कबीला इकलौता शिकारी नहीं है, वहाँ पर अब एक नया शिकारी भी आ गया है, जो काफी खतरनाक है। थोड़ा आगे जाने पर उनका साथी काफी बुरी हालत में उन्हें मिलता है, जिसे देखते ही नारू उसकी मरहम पट्टी करने लग जाती है। वहीं ताबे और उसके साथियों ने एक स्ट्रेचर तैयार कर दिया था, और इसी तरह शाम हो जाती है। जाने से पहले नारू ने उसे एक जड़ी बूटी खिला दी, जिससे उसका खून ठंडा हो जाएगा और ब्लीडिंग से उसकी मौत नहीं होगी। शेर को पकड़ने के लिए ताबे वहीं पर रुक जाता है। ये सुनकर नारू भी जिद करने लगती है, क्योंकि उसके मुताबिक शेर के अलावा भी यहाँ कोई और मौजूद है, लेकिन ताबे उसकी बात नहीं मानता। वो सभी घर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में नारू को उसी सांप की छिली हुई लाश और साथ ही बड़े से पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। वहीं पेड़ पर काफी ऊंचाई तक खून लगा हुआ था, जो कि इंसान या जानवर का काम तो नहीं था, जिससे उसका शक और भी पक्का हो जाता है। वो सीधा ही ताबे के पास जाने लगती है, इसलिए उसके साथ पाका भी जाता है। थोड़ा आगे जाने पर अचानक से किसी की आहट सुनकर नारू अलर्ट हो जाती है, लेकिन वो ताबे होता है। वो उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन ताबे के मुताबिक यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा शेर है, क्योंकि यहाँ शेर आसपास मौजूद है। नारू यहाँ अपनी राय देती है कि हम शेर को बेट करेंगे, जो राय पाका को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन ताबे इस राय से सहमत होता है। अब वो टाइम आ गया जिसका नारू को सालों से इंतजार था, आज ही अपना पहला शिकार कर पाएगी, और वो भी एक शेर का। ताबे के बेट बनते ही वो दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जहाँ पाका उसे शिकार के बारे में समझा रहा था। इतने में शेर ने पाका का ही काम बजा डाला, यानी कि उसका काम तमाम कर दिया। यहाँ शिकार करने वाला ही शिकार हो गया। उसने नारू पर भी हमला बोल दिया, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाती है, लेकिन गिरते हुए उसने शेर पर अपने हथियार से वार कर दिया था। अब नारू को होश आता है और उसकी आंख अपने घर में खुलती है, जहाँ सब काफी खुश दिख रहे थे, क्योंकि ताबे ने शेर को मार दिया था और वो उसे अपने साथ ले आया था। लेकिन नारू खुश नहीं थी, वो अब भी उसी अनजान शिकारी को पकड़ना चाहती थी। अगली सुबह नारू अपने डॉग को साथ लेकर उस शिकारी को ढूंढने जंगल पहुंच जाती है, जहाँ उसे फिर से उसके पैरों के निशान मिलते हैं, जिनका साइज देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो काफी बड़े थे। उधर शिकारी ने एक भेड़िया का शिकार छीन लिया, इसलिए उसकी टांग जख्मी हो गई, और गुस्सा होकर उसने अपने हाथों में लगे ब्लेड से भेड़िया को चीरकर उसकी गर्दन अलग कर दी। खैर, अब शाम हो गई थी, इसलिए कुछ रैबिट्स को मारकर नारू अपना डिनर करने लग जाती है। इसी तरह रात गुजर जाती है। अगले दिन नारू और उसका डॉग वहां से चले जाते हैं, साथ ही शिकारी ने भी भेड़िया का सर अपने साथ रख लिया।
और उसकी गुर्राहट के साथ यहाँ हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। वो एक वॉरियर प्रेडेटर था। थोड़ा आगे जाते ही नारू को कई सारी मरी हुई बफेलोज मिलती हैं, जिनकी खाल पूरी तरह से उतारी गई थी और ये किसी जानवर का काम तो नहीं लग रहा। वहां से निकलते ही वो एक दलदल में फंस जाती है। वो कई बार कुल्हाड़ी को पेड़ में फंसाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं फंस पाती। वो पूरी तरह डूबने वाली थी पर सही टाइम पर कुल्हाड़ी फंस जाती है जिसके सहारे से वो बाहर निकल जाती है। तभी वहां पर उसका डॉग भी वापस आ जाता है। वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वहीं वो देखते हैं कि एक भालू अपने शिकार को खा रहा था। तभी कुछ आवाज होती है जिससे भालू का ध्यान उन दोनों की तरफ चला जाता है। भालू उनकी तरफ बढ़ने लगता है। नारू उस पर निशाना लगाने लगती है लेकिन एंड टाइम पर उसका धनुष टूट जाता है। अब भालू उनके बिल्कुल पास ही था लेकिन उसका डॉग उसका ध्यान भटका देता है जिससे नारू को धनुष जोड़ने का टाइम मिल जाता है। लेकिन भालू के वापस आने पर वो एक तीर उसकी तरफ छोड़ देती है जो कि चूक जाता है। नारू वहां से भागते हुए एक लकड़ी के ढेर में घुस जाती है पर इससे पहले भालू उसे मारता तभी भालू वहीं बाहर रुक जाता है क्योंकि वहां पर प्रेडेटर पहुंच जाता है। तभी उन दोनों के बीच काफी भयंकर लड़ाई होने लगती है जिसमें प्रेडेटर घायल हो जाता है और यहां हम उसके हरे रंग का खून भी देख पाते हैं। नारू ये देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था और अब काफी लंबी लड़ाई के बाद प्रेडेटर भालू को चीर कर उसके खून से नहाने लगता है और ये देखकर नारू की फट जाती है। इसी बीच नारू पानी के जरिए भाग रही थी लेकिन प्रेडेटर उसे थर्मल विजन से देख लेता है। आगे जाने पर नारू को उसके कबीले के लोग मिल जाते हैं। वो उससे घर चलने के लिए कहते हैं लेकिन नारू उनकी बात नहीं मानती इसलिए वो उसे मार पीट कर बंदी बना लेते हैं और ये सब प्रेडेटर भी देख रहा था। साथ ही वो उनके हथियारों को भी जांच रहा था। अचानक एक आवाज होती है जिससे वो सारे चौंक जाते हैं लेकिन वो सिर्फ एक पोसम होता है जिसे वो मार देते हैं। नारू उन्हें वार्निंग दे रही थी लेकिन बहादुरी दिखाते हुए उनमें से एक उसकी बॉडी लेने पहुंच जाता है। तभी कुछ तीर उसकी आंख में घुस जाते हैं जिससे उसका काम तमाम हो जाता है यानी कि वो मर जाता है। नारू को ऐसा ही छोड़कर वो लोग अंदाजे से उससे लड़ाई करने लगते हैं और हवा में तीर बरसाने लगते हैं जिससे उसकी एक झलक दिख जाती है जो काफी खतरनाक दिख रहा था। अब वो सबको मार रहा था। इसी बीच एक लाश से चाकू लेकर नारू भी आजाद हो जाती है। प्रेडेटर भी सबको खत्म कर चुका था। अब वो नारू को मारने उसके पीछे चल दिया। नारू बहुत तेज वहां से भाग रही थी तभी उसका एक साथी उसे छुपा लेता है लेकिन छुपने का कोई फायदा ही नहीं होता क्योंकि वो उन्हें देख रहा था। ये बात नारू भी जान चुकी थी इसलिए वो वहां से भागने लगती है। वहीं प्रेडेटर उसके पीछे लग जाता है और उसके साथी को बहुत बुरी तरह से मार देता है। नारू भागते हुए एक ट्रैप में फंस जाती है। यहाँ वो नारू को मारने ही वाला था लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे छोड़ देता है क्योंकि प्रेडेटर को लगता है कि वो अब उसके लिए खतरा नहीं है इसलिए वो वहां से चला जाता है। तभी कुछ अनजान हंटर्स वहां आ जाते हैं और नारू को मारकर बेहोश कर देते हैं। वहीं नारू को होश आने पर उनमें से एक उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है लेकिन नारू उसे कुछ भी नहीं बताती जिस वजह से उसका सरदार उसे परेशान कर रहा था। यहाँ हम ताबे को भी देख पाते हैं। उसे भी इन लोगों ने बंदी बना रखा था। इस सबसे गुस्सा होकर वो लोग ताबे की छाती पर एक कट लगा देते हैं जिसे देखकर नारू काफी परेशान हो जाती है। अगले दिन वो उन दोनों को खुले में बांध देते हैं ताकि मॉन्स्टर उन दोनों को मारने आ जाए। वो सभी इंतजार करने लगते हैं तभी अचानक उनके घोड़े भागने लगते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर उन घुड़सवारों को मार चुका था। यहाँ प्रेडेटर खुलकर सामने आता है और ताबे काफी घबरा जाता है। तभी नारू उससे बताती है कि इसे आसान शिकार करना पसंद नहीं है। अब प्रेडेटर आगे बढ़ता है तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। वो लोग उसे एक जाल में फंसा लेते हैं लेकिन वो एक ही झटके में फ्री हो जाता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। वो सभी उस पर फायर करते हैं पर उसके पास एक शील्ड थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने हथियारों का यूज करके उन लोगों को भी बुरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ नारू एक बियर ट्रैप की मदद से रस्सियां काट लेती है जिससे दोनों आजाद हो जाते हैं। ताबे घोड़े लाने चला जाता है और नारू अपने डॉग को लाने कैंप में आ जाती है। वो चुपचाप निकलना चाह रही थी तभी वो अपने डॉग को देखती है जिसे एक हंटर मारने वाला था। तभी नारू ने वहां जाकर उस हंटर को पीटना शुरू कर दिया। नारू ने काफी बहादुरी से सबका बैंड बजा दिया साथ ही उसने सबको ठिकाने भी लगा दिया। अब वो वहां से जा रही थी तभी एक हंटर कटी टांग लिए वहां पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा जिसके लिए नारू मान जाती है। नारू उसे वही जड़ी बूटी दे देती है ताकि उसका खून ठंडा हो जाए। साथ ही हंटर ने भी उसे गन चलाना सिखा दिया। तभी प्रेडेटर वहां आ जाता है इसलिए नारू छुप गई। थर्मल विजन का यूज करके वो उस आदमी को चेक करता है लेकिन उसका खून ठंडा होने के कारण उसे कुछ नहीं दिखता पर प्रेडेटर
का पैर पड़ते ही वो चिल्लाने लगता है, जिससे प्रीडेटर उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। तभी नारू का डॉग उसके सामने आ गया। इससे पहले कि प्रीडेटर डॉग को मारता, वहाँ ताबे आकर उसका हेलमेट उतार देता है और यहाँ हम उसका असली चेहरा भी देख पाते हैं। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उसका थर्मल विजन कंट्रोल उसके हेलमेट में है। हेलमेट पहनकर वो फिर से तैयार हो जाता है। तभी नारू ने भी उस पर गोली चला दी, लेकिन उससे गोली नहीं चलती। ताबे ने एक भाला उसके आर पार कर दिया, वो उसे निकाल ही रहा था तभी ताबे ने तीर भी बरसा दिए। यहाँ पहली बार उसे टक्कर का वॉरियर मिला, जिसने प्रेडेटर की बैंड बजा रखी थी। यहाँ प्रेडेटर की हालत पतली हो जाती है, जिससे बचने के लिए वो इनविजिबल हो जाता है। यहाँ ताबे भी समझ जाता है कि वो अब नहीं बचेगा, क्योंकि ताबे आखिरी खतरा है उस प्रेडेटर के लिए। वो नारू को जाने के लिए कहता है, तभी प्रेडेटर ने अपने ब्लेड उसके शरीर में घुसा दिए। ताबे घायल होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वो अपनी बहन को बचा रहा था। तभी प्रेडेटर ने उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला। ये देखकर नारू भी वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं अपने भाई का बलिदान बेकार नहीं होने दूंगी। इधर ताबे की मौत की खबर कबीले तक पहुँच गई, जिससे पूरा कबीला उदास हो जाता है। नदी के पास जाकर नारू आराम कर रही थी, तभी उन हंटर का सरदार वहाँ पर पानी पीने आता है, जिसे नारू बेहोश कर देती है। अब उस सरदार की आँख खुलती है, जहाँ वो अपना पैर कटा हुआ देखता है, जिसे चूहे खा रहे थे। नारू भी वहीं पर बैठी हुई थी। नारू कहती है कि तुम में से मुझे कोई खतरा नहीं समझता, और यही वजह मुझे सबसे खतरनाक बनाती है। अब प्रेडेटर वहां पहुंचकर उस आदमी की गर्दन काट देता है, लेकिन वो नारू को कुछ नहीं कहता, क्योंकि नारू ने वही जड़ी बूटी खा ली थी। यहां नारू प्रेडेटर पर हमला करके उसका हेलमेट लेकर जंगल में भाग जाती है, जहां उसने उसे फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। प्रेडेटर के वहां आते ही उसने एक पेड़ से कूदकर एक हथियार से उस पर वार कर दिया, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं होता। वो उस पर हमला करता, लेकिन टाइम रहते नारू के डॉग ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। भागते हुए उसने बड़ी चलाकी से एक पेड़ में फंसाकर प्रेडेटर का हाथ अलग कर दिया, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो उसी के हथियार से उस पर हमला कर रही थी, लेकिन उसे कंट्रोल करके प्रेडेटर उल्टा उस पर ही हावी हो जाता है। यहाँ वो अपनी शील्ड से उसकी गर्दन अलग ही करने वाला था, लेकिन तभी नारू ने उसी का दांत उखाड़ कर उस पर वार कर देती है, जिससे वो बच जाती है। अब वो यहाँ बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए असली प्लान के मुताबिक एक रोप की मदद से वो उसे उसी दलदल में फंसा देती है। प्रेडेटर उससे काफी आसानी से बाहर आ जाता है। यहाँ नारू ने जानबूझकर उसे दलदल से थोड़ा बाहर आने दिया, ताकि वो हेलमेट की मदद से उसे शूट कर सके, क्योंकि उसका एम उसके हेड पर ही सेट होता है, जिसके बाद फायर करते ही प्रेडेटर भी मारा जाता है। और फाइनली यहाँ नारू का पहला शिकार पूरा हो जाता है, जो कि था एक प्रेडेटर। अगले दिन उसके सर के साथ वो अपने घर पहुंच जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना नया लीडर मिल गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हमें एंड क्रेडिट सीन में एक पेंटिंग दिखाई जाती है, जिसमें तीन नए स्पेसशिप उस एरिया में लैंड कर गए, यानी कि ये कायोस अभी खत्म नहीं होगा और ये तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और साथ ही कमेंट करके बताओ कि अगर आप नारू की जगह होते तो आप क्या करते। तो कमेंट बॉक्स खुला है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आई होप आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आपसे मिलता रहूंगा, साथ ही आपको नई नई अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूंगा। तो तब तक के लिए बाय।